ना कोई धोखा ना कोई गम। इसके लिए सबको राम राम जपना चाहिए। अपने शहर में रोजाना 4,424 आदमी भूखे सोते। मैं शर्त लगाता हूँ कि ये मियां बीवी हैं। कुछ लोग इन्हें मूछों वाले नथुलाल के नाम से जानते हैं तो कुछ लोग इन्हें कहते हैं तैयब अली, लेकिन इनका असल नाम है मोहम्मद उमर मुकरी और फिल्म इंडस्ट्री में ये मशहूर हुए मुकरी के नाम से। भाइयों, आपकी मुसीबत को देखकर हमारे महान दाता का हृदय खून के आंसू रो रहा है। छोटी कद काठी के मुकरी ने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों संग काम किया और भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर के कॉमेडियंस के तौर पर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। वाले शान, वाले बांग, वाले आंग, वाले तान। किस्सा टीवी पर आज पेश है जबरदस्त एक्टर रहे मुकरी की कहानी। मुकरी की कहानी के कई अनसुने पहलुओं से आज हम और आप रूबरू होंगे। मौसी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुकरी का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1922 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मौजूद उरन में। हालांकि एक इंटरव्यू में मुकरी ने बताया था कि इनके पुरखे किसी जमाने में अफगानिस्तान से भारत आकर बसे थे। माँ बाप ने इन्हें नाम दिया था मोहम्मद उमर मुकरी। इनके वालिद का नाम था हिसामुद्दीन मुकरी, जो कि बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे, और इनकी वालिदा थी अमीना बेगम, जो कि एक गृहिणी थी। इनकी पैदाइश एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम परिवार में हुई थी। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि मुकरी एक ज़माने में इतने बड़े कॉमेडियन बनेंगे, लेकिन जब ये स्कूल में थे उसी वक्त इन्हें एक्टिंग करने का चस्का लग गया था। दरअसल मुकरी के बड़े भाई, जिनका नाम मोइनुद्दीन था, वो मुंबई में रहा करते थे। बड़े भाई के कहने पर ही मुकरी का दाखिला मुंबई के अंजुमन इस्लाम बॉयज हाई स्कूल में करा दिया गया। यहीं पर पहली दफा मुकरी की मुलाकात हुई थी भारतीय सिनेमा के बहुत बड़े सितारे के साथ। हालांकि उस वक्त वो सितारा भी उस स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। वो सितारा था यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार। अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल में दिलीप कुमार मुकरी से एक क्लास सीनियर थे, जबकि दिलीप कुमार के भाई नासिर खान मुकरी के क्लासमेट हुआ करते थे। अंजुमन हाई स्कूल में ही पहली दफ़ा मुकरी को एक नाटक में एक्टिंग करने के लिए सिलेक्ट किया गया था, और उस नाटक में ये एक खान बहादुर के किरदार में नजर आए थे। और यहीं से ये तय हो गया था कि मुकरी आगे चलकर फिल्मों में एक्टिंग क्या करेंगे। स्कूल के उस नाटक में लगातार 3 सालों तक मुकरी ने वो किरदार निभाया और तीनों दफा मुकरी को बेस्ट एक्टर का खिताब हासिल हुआ। स्कूल के दिनों में ही मुकरी और यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार की बढ़िया दोस्ती हो गई थी। दोनों ने तय कर लिया था कि आगे चलकर फिल्मों में नाम कमाना है। हालांकि ये बात दोनों जानते थे कि परिवार वाले कभी भी इनके फिल्मों में काम करने से खुश नहीं होंगे, लेकिन मुकरी और यूसुफ दोनों ही ये फैसला कर चुके थे कि वो हर हाल में फिल्मों में ही काम करेंगे। पढ़ाई खत्म करने के बाद मुकरी ने कुछ वक्त तक सरकारी नौकरी भी की। वो दूसरे विश्व युद्ध का आखिरी दौर था। मुकरी का काम था घर घर जाकर लोगों को शीशे पर काले पर्दे टांगने के लिए कहना। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद मुकरी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। काफी वक्त तक उन्होंने महबूब खान और के आसिफ जैसे नामी डायरेक्टर्स के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम किया। फिर जब दिलीप कुमार बॉम्बे टॉकीज के साथ जुड़े तो उन्होंने मुकरी को भी बॉम्बे टॉकीज ज्वाइन करा दिया, जहाँ दिलीप कुमार को बॉम्बे टॉकीज 1944 की ज्वार भट्टा से लॉन्च कर चुका था, तो वहीं मुकरी को बॉम्बे टॉकीज की अगली फिल्म प्रतिमा में पहली दफा एक्टिंग करने का मौका मिला। और इस तरह शुरू हो गया हिंदी सिनेमा के पहले दौर के सुपरहिट कॉमेडियन का फिल्मी सफर। दिलीप कुमार की लगभग हर फिल्म का हिस्सा बने मुकरी साहब, और दिलीप साहब के अलावा भी कई दूसरे स्टार्स के साथ मुकरी ने काम किया था। फिर चाहे वो देवानंद हो या फिर राज कपूर हो, राजेंद्र कुमार हो या सुनील दत्त हो, धर्मेंद्र और अमिताभ जैसे नए दौर के स्टार्स के साथ भी मुकरी की कॉमिक केमिस्ट्री खूब जमी। अपने करियर में मुकरी साहब ने 400 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। मुकरी साहब के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो उन्होंने अनोखा प्यार, सजा, मिर्जा गालिब, अमर, किस्मत का खेल, काला पानी, कैदी नंबर 911, काला बाजार, पड़ोसन,
मेरा नाम जोकर, गोपी, बॉम्बे टू गोवा, कुंवारा बाप, बैराग और द बर्निंग ट्रेन जैसी बड़ी और सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। मुकरी साहब की आखिरी रिलीज फिल्म थी 1994 में आई मल्टी स्टारर फिल्म बेताज बादशाह। इस फिल्म में ये कॉलेज प्रिंसिपल के किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म के बाद ही मुकरी साहब ने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया था। मुकरी साहब ने भीम भवानी नाम के एक टीवी शो में भी काम किया था। ये टीवी शो 1990 में दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट हुआ था। इस शो में बीते दौर के कई दिग्गज फिल्म एक्ट्रेस ने काम किया था, जैसे अशोक कुमार, जगदीप, टुनटुन, राजेंद्र नाथ, महमूद और मोहन चोटी। एक दफा बालाजी टेलीफिल्म्स की एकता कपूर ने भी मुकरी को अपने एक टीवी शो में काम करने का ऑफर दिया था, पर चूंकि उस वक्त तक मुकरी की तबीयत खराब रहने लगी थी तो उन्होंने एकता कपूर को मना कर दिया था। खुद जितेंद्र ने भी मुकरी साहब को फोन किया था और अपनी बेटी एकता कपूर के शो में काम करने की गुजारिश की थी, लेकिन मुकरी साहब ने जितेंद्र से कह दिया कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का पैसा बर्बाद जाए, इसलिए मैं इस शो में काम नहीं कर पाऊंगा। मुकरी साहब की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो साल 1950 में मुकरी ने मुमताज से शादी की थी। ये शादी इन्होंने अपने माता पिता की पसंद से की थी। मुकरी की पत्नी मुमताज मुकरी एक हाउस वाइफ थी। मुकरी और मुमताज मुकरी के 5 बच्चे हैं, 3 बेटे जिनके नाम हैं बिलाल मुकरी, नासिर मुकरी और फारूक मुकरी, और 2 बेटियां जिनके नाम हैं नसीम मुकरी और अमीना मुकरी। मुकरी साहब के बेटे नासिर मुकरी ने कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स किए थे, साथ ही वो कई नामी डायरेक्टर्स के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से भी काम कर चुके हैं। वहीं मुकरी साहब के दूसरे बेटे फारूक मुकरी भी दिल और पत्थर नाम की फिल्म में एक्टिंग कर चुके हैं। मुकरी साहब के तीसरे बेटे बिलाल मुकरी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मुकरी साहब की बेटी अमीना भी एक्टिंग के फील्ड में आना चाहती थी। साल 1976 में नया जन्म नाम की फिल्म से उनको लॉन्च करने की प्लानिंग भी हो चुकी थी, लेकिन वो फिल्म बंद हो गई। उसके बाद अमीना के करियर का क्या हुआ ये भी हम नहीं जान पाए। मुकरी की बेटी नसीम मुकरी जरूर मनोरंजन जगत में अपनी थोड़ी पहचान बनाने में कामयाब रही हैं। नसीम मुकरी कुछ फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से काम कर चुकी हैं, साथ ही धड़कन फिल्म में उन्होंने एक कैमियो भी किया था। इतना ही नहीं, धड़कन फिल्म के डायलॉग्स भी नसीम मुकरी ने ही लिखे थे। धड़कन के अलावा नसीम मुकरी ने ही हाँ मैंने भी प्यार किया है और स्कूल फिल्म के डायलॉग्स भी लिखे थे। नसीम मुकरी ने कई टीवी सीरियल्स के डायलॉग्स लिखे हैं। इसके अलावा नसीम मुकरी को रेडियो पर काम करने का भी काफी ज्यादा तजुर्बा है। मुकरी साहब अपनी पत्नी मुमताज मुकरी से बेइंतहा प्यार करते थे। साल 1994 में जब मुकरी साहब की पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो उन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया और दिलोजान से अपनी पत्नी की देखभाल में जुट गए। इस दौरान मुकरी साहब की पत्नी की तबीयत तो सुधर गई, लेकिन मुकरी साहब की सेहत उनका साथ छोड़ने लगी। जिंदगी भर अपनी एक्टिंग से दूसरों को हंसाकर दिल खुश करने वाले मुकरी साहब खुद दिल के बन गए और फिर 4 सितंबर 2004 को मुकरी साहब की रूह उनका जिस्म छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अचानक आए एक तेज हार्ट अटैक ने मुकरी साहब की जान ले ली। मुकरी साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में हमेशा उन्हें उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रखेंगी और पीढ़ियों तक उनका नाम रोशन करती रहेंगी। वक्त की कमी के चलते मुकरी साहब की कहानी के कई दिलचस्प पहलू इस हिस्से में हम नहीं कह पाए हैं, लेकिन मुकरी साहब की वो अनकही कहानी हम फिर किसी रोज कहेंगे और जरूर कहेंगे। मुकरी साहब ने भारतीय सिनेमा में अपना जो योगदान किया है उसके लिए किस्सा टीवी उन्हें सैल्यूट करता है। जय हिंद।